नमस्कार, हिंद 24 टीवी में आपका स्वागत है। जौनपुर के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 9 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही युवक ने पोखरे के पास स्थित खेत में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर फरार हो गया। बालिका की हालत गंभीर होने पर युवक उसे घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। थोड़ी देर में परिजन उसे ढूंढते हुए मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी रही, जिसे उठाकर रामपुर थाने रात में ही लाया जाया गया, जहां से पुलिस ने मेडिकल मुआयना के लिए रामपुर से एसी भेजा। डॉक्टरों ने मामले उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर बालिका की गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की खोजबीन शुरू कर दिया है। मामले में रामपुर थानाध्यक्ष चंद्र कुमार राय ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा रात में ही दर्ज कर लिया गया है और फरार युवक की तलाश किया जा रहा है। गांव का नाम बताइए। दमोदरा। अच्छा, क्या मामला है, क्या घटना है, पूरी बताइए। मतलब एक बच्ची उठी, एक नंबर तो नहीं लिया है। हाँ। इसके बाद एक नंबर उठी है और अभी पता नहीं किधर से आया। हाँ। और बच्चे को मतलब पीछे से ऐसे दबाया। हाँ। और उठाकर ऐसे पीछे कंधे पे लाद के और उठाकर चला गया। अच्छा, आपके भतीजी को। हाँ। आप उनकी चाची हैं, लड़की की। हाँ, उनकी। हाँ, चाची। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद सब लोग सोए हुए थे। हाँ। तो उसकी मम्मी उठी, उसका छोटा वाला बच्चा उठा तो वो बोला कि उठा तो रोने लग गया। हाँ। तो उठे अपने बच्चा देखने के लिए। हाँ। बच्चे को देखने के लिए तो देख रही कि बेटी भी नहीं है। हाँ। बड़ी वाली बेटी गायब है तो। हाँ। पूछने लग गए कि बेटी कहाँ गई। हाँ। सब लोग से पूछने लग गए, हम से भी पूछने लग गए और सब लोग भी और हम भी सोए थे। हाँ। उसके बाद मैं बोली कहाँ चली गई, अभी रात में उठी होगी तो एक नंबर गई होगी। हाँ। तो उसने बोला कि नहीं गई है तो कहाँ गई है। हाँ। तो हम लोग उठ के ढूंढने लग गए। करीब 11 बज गए थे। 11 बजे से ढूंढते ढूंढते नहीं मिली लड़की। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद फिर उसको ढूंढने नहीं मिली। फिर उसको जब 1:30 बज गया फिर लड़की उधर से आ रही थी। अच्छा, जंगल की तरफ। हाँ, जंगल की तरफ से। हाँ। वो पोखरा है। हाँ। फिर उधर से वो आ रही है अपने आप। हाँ। ऐसे घिरते रह रहे थे। फिर उसके बाद मैं सब लोग बोले कि कहाँ थे, वो बोले कि इधर लड़का मेरे को ऐसे ऐसे से काट दिया है। हाँ। ऐसे हुआ मेरे साथ। कौन लड़का था? रोने लग गई। कौन लड़का था? पंकज। बोले कि वो पंकज था। अच्छा, पंकज कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के? अच्छा, गांव के ही रहने वाले हैं। तब आप लोग क्या पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब 100 नंबर को फ़ोन किया। हाँ। कि ऐसा ऐसा सर बात है, तो सर बोले कि यार, तो सर को आने पहले उसकी हालत ख़राब हो गई। मतलब चक्कर आने लग गया और गिरने लग गई, गश्ती आने लग गया और बोले दर्द हो रहा सके। तो बोले कि इसको हम एम्बुलेंस बुला के डॉक्टर में ले चलते हैं। हाँ। इतना रात के सर काफ़ी बात है तो कैसे ले जाते हैं। हाँ। तो उसको 1:30 बजे उसको बुलाया एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में ले जाने वाले सब लोग बोले कि नहीं, अभी पहले 100 नंबर मिल गया और ये भी हम लोग साथ में जाते हैं। हाँ। तो साथ में दोनों लोग लेके गए। अच्छा, इसमें लड़की कहाँ भर्ती है? इसमें सर तो ये अभी सदर में। अच्छा, जिला अस्पताल सदर। अच्छा, उसकी हालत कैसी है लड़की की? अभी हाल चालू है, ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट चालू है। हाँ, हालत सही नहीं सर। ठीक। जुलाई की रात में लगभग 11 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि दमोदरा गांव की निवासिनी एक महिला की नाबालिग लड़की को उसके पड़ोस के ही सजातीय एक 22 वर्षीय युवक पंकज गौतम जिसका नाम है, उसके द्वारा उस लड़की को बहला फुसला कर गाँव के किनारे तालाब के पास ले जाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में घर वाले उस लड़की को अपने घर लाए और इसकी सूचना दी। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने उस लड़की का उपचार प्रारंभ कराया और इसमें समुचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें जो आरोपी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही प्रचलित है। धन्यवाद।